अमृतसर में हो रहे अपराधों की वारदातों के ऊपर काबू करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि पुलिस ने अब एक ऑटो गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि जिले में लूट की वारदातों को अंजाम देता था। यह ऑटो गैंग के सदस्य एक ऑटो में बैठ जाते थे और जब कोई अकेली सवारी आती थी उसको अपने ऑटो में बिठा लेते थे, जिसके बाद उसको लूटपाट करके छोड़ देते थे। इस तरीके से इन्होंने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें कि कई लोग इनके अपराधों का शिकार हुए हैं। इस मामले ने पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एक ऑटो और साथ ही एक तेजधार हथियार भी बरामद किया है, जिसके बल पर यह लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। इसके साथ ही इसके दो सदस्य काबू किए हैं और तीन अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस बीच एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो कि शीना शक्ति की वारदातें जिले भर में करता था और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसके बिना पर इसको काबू किया गया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि कई मामले इससे सुलझते हुए नजर आए हैं और आने वाले समय में इनके और खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस ने इनका रिमांड लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। 17-11 नु रेलवे स्टेशन लागे ना लिबर्टी मार्केट लागे एक अर्जनतुली नौजवान पासों 5 ऑटो सवार व्यक्तियों ने खोह की सी, जो असी सीनियर अफसर के दिशा निर्देशों के हदायत मुताबिक 54 सर्कट हाउस इंचार्ज ने जड़ा वा इन्हों 5 दोषियों जो 2 दोषी समेत ऑटो इन्हों गिरफ़्तार किया वा, एक सिकंदर एक जगदीप सिंह जग्गू जो रामतीस रोड के रहने वाले। इन्हों पासों वारदात वरत्या गया ऑटो जिहड़ी चाकू जिहड़ा जिहदे नाल वारदात की है, तो जिहड़े पैसे खोए हुए बरामद कर ले। 3 दोषी जिहड़े इहदे विच होर शनाख्त होए ने उन्होंने भी जल्दी असं गिरफ़्तार कर लेंगे। इस तों अलावा असं अपने सीनियर अफसर के दिशा निर्देशों से जिहड़ा 3 वारदातों होर सुलझाया जिहड़े सिविल थाने के एरिए हुई सी, जिदे 2 कनेडी एवन्यू तो 1 अदलखा होस्पिटल लागे हुई सी, जिस एक नौजवान जिहड़ा वा वह रस्ते जा रहे लेडीज़ पासों चैन स्नैचिंग करता सी, जिहदी सीसीटीवी फुटेज साडे कोल आ गया सी। उहदे विच सब तो पहले कंटोनमेंट थाने फड़िया गया, उस तो बाद रिमांड पर लिया, तो इस को जिहड़ियां 3 जिहड़ियां साडियां वारदातां ने ट्रेस हुई ने, तो 3 ही वारदातों में चैन स्नैचिंग की सी, 3 चैना जिहड़ियां बरामद कर लिया गई ने। अमृतसर से हनी मेहरा, जीवे पंजाब टीवी।